जब घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो कई बार रिश्तेदार तो छोड़िए परिवार के लोग भी साथ नहीं देते। भोपाल के शमी मंसूरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब आर्थिक संकट खड़ा हुआ तब किसी ने साथ नहीं दिया। ऐसे में शमीम का सहारा बनी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कैसे शमीम की जिंदगी को इस योजना ने नई दिशा दी, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। भोपाल की गलियों में शेड की छत वाले मकान में जीवन यापन करने वाली ये हैं शमीम मंसूरी। एक वक्त ऐसा आया जब परिवार की परिस्थितियों ने शमीम के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया था। बच्चे भी छोटे थे और पति की आमदनी भी इतनी नहीं थी कि घर का गुजारा चल सके। ऐसे में शमीम को लगा कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। शमीम चूंकि 12वीं पास है तो उन्हें एक स्कूल में कार्यालयीन काम करने की 6,000 रुपए की नौकरी मिल गई। स्कूल में काम करते करते शमीम को लगा कि इतने पैसों में घर नहीं चल रहा, लिहाजा आय को और बढ़ाने के लिए क्यों ना कोई व्यापार शुरू किया जाए। स्कूल में काम करते करते शमीम ने कपड़े की एक दुकान से कुछ कपड़े लेकर अपने ही स्कूल की टीचर्स को बेचना शुरू कर दिया। कपड़े बेचने के काम में थोड़ा मुनाफा होने लगा तो उन्हें लगा कि क्यों ना यही काम किया जाए। शमीम ने पहले तो अपने घर से 15,000 रुपए लगाए और अपने घर में ही लेडीज गारमेंट का सामान रख लिया। शमीम ने जो पूंजी लगाई थी वो भले कम थी लेकिन उनके हौसले बड़े थे। शमीम को कहीं से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पता चला। शमीम ने इस योजना के तहत साल 2017 में 1,00,000 रुपए का लोन लिया। पूंजी बढ़ी तो मुनाफा भी बढ़ा। 6,000 रुपए की नौकरी से शुरुआत करने वाली शमीम आज घर बैठे 15 से 20,000 रुपए महीना कमा रही है। मतलब पहले बहुत ज्यादा कंडीशन ऐसी थी कि इंसान के हालात खराब हो जाते। सब परिवार में तो मतलब है तो हस्बैंड, लेकिन वो तो मान के चलो नाके बराबर है। एक तरीके से देखा सिर्फ हमारे बच्चे और हम ही सब कुछ मतलब चलाते हैं। तो पहले तो मैंने अपना ही पैसा लगा के बिजनेस चालू किया था। उसके बाद मैंने मुद्रा लोन लिया था 2017 में। तो सर 2017 में मैंने लोन लिया था तो सर मेरे उससे मतलब और भी आगे मटेरियल बढ़ा। पहले केवल मैं साड़ी का करती थी। सर मैंने मतलब ना 1,00,000 लिया था पूरा, जिसमें से 70 भरना था, 30 माफ है उसमें। सर महीने का मेरा ये कि 15-20 के आसपास में मेरा निकल जाता है। और आज ऐसी स्थिति है सर कि प्लाट फ्लैट मतलब ऊपर वाले के द्वारा सब कुछ है। शमीम की परिस्थितियों को जिन्होंने करीब से देखा आज वो उन्हें समाज में महिलाओं के लिए एक मिसाल मानती हैं। बचपन से शमीम को देख रही पड़ोस में रहने वाली रेशमा तो ये तक कहती है कि मुद्रा योजना ने आज महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। पहले तो आंटी मतलब इतनी संपन्न नहीं थी जितनी अभी है। मतलब पहले की स्थिति देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं थी, और अभी की स्थिति ऐसा देखा जाए कि हमसे भी ऊपर है आंटी। ये जो कार्य कर रही है तो अच्छा है कि लोगों तक वो संदेश पहुंचा रही है जो महिलाएं घर पे रहती है। सरकार ने कुछ सोचा ही होगा तभी उन्होंने ये मुद्रा लोन का नियम निकाला, और जो नहीं कर पाती है उनके लिए देने के लिए चाहा कि वो अपना कार्य खुद से कर सके। कि ये ऐसा है कि हम पुरुष के बराबरी तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। पहले तो स्थिति बहुत खराब थी, मतलब देखे आए हम लोग भी, और अभी मतलब थोड़ी स्थिति इनकी बहुत अच्छी है जब से इनने धंधा मतलब शुरू किया घर पे। 1,00,000 रुपए के लोन में से शमीम को करीब 70,000 रुपए चुकाने थे, क्योंकि 30,000 रुपए सरकार ने सब्सिडी के तौर पर बैंक को दिए हैं। 2019 के अंत तक शमीम ने 3,000 रुपए महीने के हिसाब से वो 70,000 रुपए भी चुका दिए हैं। अब शमीम का कहना है कि वो जल्द ही एक बार फिर मुद्रा लोन के लिए बैंक में अप्लाई करने वाली हैं ताकि अपने व्यापार को और बढ़ा सकें। डीडी न्यूज़ के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।